दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी और बारिश का कहर ढाने के बाद अब उससे भी भयंकर बाढ़ ने पूर्वोत्तर के राज्यों की ओर रुख कर लिया है। आपको बता दें कि असम, त्रिपुरा और मणिपुर में बाढ़ आई हुई है। बताया जा रहा है कि त्रिपुरा में इस बाढ़ के कारण 3 लोग मर चुके हैं और 40,000 लोग अभी भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। तो वहीं बात करें असम की, तो असम में 17 लोगों की जान जा चुकी है और 4 लाख लोगों के घर उजड़ गए हैं। वहाँ के हालात बद से बदतर बने हुए हैं, राहत व बचाव कार्य जारी है। जानकारी के मुताबिक त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में बात करें तो यहाँ 24 घंटे के अंदर त्रिपुरा और मिजोरम के हालात पहले से बेहतर हुए हैं। असम में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार यहाँ पिछले 24 घंटे में बाढ़ और भूस्खलन के कारण 4 लोगों की जान चली गई है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक कई सारे इलाके असम में पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं और अकेले कछार जिले में ही बाढ़ से 4,25,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो इलाका प्रभावित हुआ है वो है करीमगंज। यहाँ तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोगों को बाढ़ की त्रासदी का सामना करना पड़ा है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की माने तो 716 गांव बाढ़ की बुरी तरह चपेट में आ गए, जो जलमग्न हो गए हैं और 3,292 हेक्टेयर फसल का नुकसान हो गया है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।